नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। जून के लिए बुधवार की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट में पॉजिटिव इन्फ्लेशन डेटा को दरकिनार करते हुए अस्थिरता के एक संक्षिप्त दौर को छोड़कर वर्चुअल डिजिटल एसेट बड़े पैमाने पर नैरो रेंज में मूवमेंट कर रहे थे। जून में यूएस कंज्यूमर प्राइस में 0.2% की बढ़त हुई, जो 0.3% बढ़त की उम्मीदों से अधिक है। अपबीट इन्फ्लेशन प्रिंट के तुरंत बाद बिटकॉइन में लॉजिकली बढ़त होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय अस्थिरता बढ़ने के बावजूद कीमत में गिरावट आई। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन हाल ही में 0.39% की गिरावट के साथ $30,416.65 पर ट्रेड कर रही थी। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी इथेरियम में भी गिरावट आई। पिछली बार ये 0.18% की गिरावट के साथ $1,873.82 पर ट्रेड करती दिखाई दी। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.53% की गिरावट के साथ $1.18 trillion हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 14.84% बढ़कर $31.01 billion हो गई। डीफाई की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.1 billion है और सभी स्टेबल कॉइन की वॉल्यूम $28.17 billion है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर की वॉल्यूम का क्रमशः 6.78% और 90.83% का प्रतिनिधित्व करती है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.94% है। इसमें पूरी दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.37% की गिरावट के साथ 40,275 पर आ गया। इस बीच CME फेड वॉच टूल का सुझाव है कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी 26 जुलाई को रेट्स 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 94.9% कर देगी, जबकि एक दिन पहले ये 93% था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, नैसडैक कॉम्पोजिट और S&P 500 में बढ़त के साथ प्रमुख इक्विटी इंडेक्स में हायर ट्रेड हुए। फिर भी 2023 के दौरान क्रिप्टो मार्केट बड़े पैमाने पर ट्रेड फाइव में अलग हो गए हैं। केवल सबसे आश्चर्यजनक इकोनॉमिक रिपोर्ट से ही मार्केट में काफी बदलाव आया है। दूसरी ओर ऑन चेन डेटा से पता चलता है कि US गवर्नमेंट से संबंधित दो वॉलेट और क्रिप्टो की सिल्क रोड जब्ती से जुड़े दो वॉलेट ने बुधवार की सुबह तीन अलग अलग ट्रांजैक्शंस में $300 मिलियन से अधिक वर्थ के बिटकॉइन मूव किए हैं। बिटकॉइन के ब्लॉक एक्सप्लोरर से पता चलता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड वॉलेट्स ने टोटल 9,825 बिटकॉइंस मूव किए। उसी वॉलेट ने मार्च में बिटकॉइन में $1 बिलियन से अधिक ट्रांसफर किए, एक ऐसा कदम जिसके कारण सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट आई। गवर्नमेंट ने नवंबर में सिल्क रोड मार्केटप्लेस से जुड़े 50,000 बिटकॉइन जब्त किए। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने पाया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाए जा रहे कई अलग अलग प्रोग्राम्स की निगरानी में मदद कर सकती है। GAO ने SBA प्रोग्राम्स में ब्लॉकचेन की क्षमता का पता लगाया। एनुअल रिपोर्टिंग को स्ट्रीमलाइन करने, सेफ लोन्स की सुविधा देने और बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्रेस की निगरानी करने की क्षमता पर प्रकाश डाला। हालांकि SBA ने अभी तक ब्लॉकचेन पर विचार नहीं किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फेडरल एजेंसी के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स में ब्लॉकचेन अपनाने की जांच करने वाले एक स्टडी में पाया गया कि ये 7 लोन प्रोग्राम में धोखाधड़ी के जोखिम को कम कर सकता है और 8A बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन के लिए रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ ब्लॉकचेन डिजास्टर लोन प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोसेस में तेजी ला सकता है और SBIR और STTR प्रोग्राम्स के लिए एजेंसी रिपोर्टिंग टाइमलीनेस में सुधार कर सकता है। GAO ने इस प्रोग्राम में ब्लॉकचेन के संभावित उपयोग के मामलों में भी प्रकाश डाला है। स्लॉट एग्रीगेटर की पार्टनरशिप रेंज अभी भी बढ़ रही है और ब्लॉकचेन कैसीनो कैकन अब इसके क्लाइंट्स में से एक है। कैकन ब्लॉकचेन कैसीनो स्लॉट एग्रीगेटर का एक नया क्लाइंट एक क्रिप्टोकरेंसी बेस्ड गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को एक इमर्सिव और एक्सिलरेटिंग गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। अपने खुद के कैकन NFT के साथ जो प्रोडक्ट्स के रूप में कार्य कर सकता है, जैसे कंटेंट को अनलॉक कर सकता है और पहुंच प्रदान कर सकता है। ब्रांड ब्लॉकचेन आधारित जैकपॉट लॉटरी प्रदान करता है। इसमें जैकपॉट जीतने की संभावना निर्धारित करने वाला एक जैकपॉट बॉट भी अवेलेबल है। अट्रैक्टिव ग्राफिक्स के अलावा कैकन ट्रांजैक्शन को क्विक, अनोनिमस और सिक्योर बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी को भी शामिल करता है। कैसीनो प्लेयर सिक्योरिटीज को हाई प्रायोरिटी देते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और प्राइवेट डेटा की सुरक्षा के लिए ये कटिंग एज इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट और क्रॉस चेन प्रोटोकॉल एक्सेलर ने पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन को जोड़ने के लिए 11 जुलाई को एक सहयोग स्थापित किया। पार्टनरशिप की वजह से एक्सेलर माइक्रोसॉफ्ट के Azure मार्केटप्लेस में शामिल हो जाएगा और वहां फीचर होने वाला पहला क्रॉस चेन प्रोटोकॉल बन जाएगा।
एक्सेलर की जनरल मैसेज पासिंग और एक्सेलर जेएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है, जो उन्हें ब्लॉकचेन या डेटाबेस की आवश्यकता के बिना फंक्शनैलिटी को शामिल करने की अनुमति देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले एप्लीकेशंस की सहायता के लिए कंपनियां पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन्स के इंटीग्रेशन की भी जांच करेगी। लोकल न्यूज प्लेटफॉर्म द हिंदू के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने इस इवेंट में कहा, स्टेबल कॉइन्स पॉलिसी सोवरेनिटी के लिए एक संभावित खतरा है और सिर्फ कुछ देशों के लिए उपयोगी है। शंकर के अनुसार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को हर देश के लिए बेटर स्टेबल सॉल्यूशंस माना जाता है। स्टेबल कॉइन यूएस और यूरोप जैसी इकोनॉमीज को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को करेंसी जारी करने से सरकार के प्रॉफिट ट्रांसफर के कारण संभावित रूप से भारत में रुपए की जगह ले सकते हैं। शंकर ने कथित तौर पर भारत के कैपिटल रेगुलेशंस पर मॉनेटरी पॉलिसी पर स्टेबल कॉइन्स के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अगर बड़े स्टेबल कॉइन्स को किसी दूसरी करेंसी से जोड़ा जाता है तो डॉलराइजेशन का जोखिम होता है। हमें इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को अनुमति देने के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। अन्य देशों में पिछले अनुभव से ये पॉलिसी सोवरेनिटी के लिए एक संभावित खतरा है। भले ही नए ईयू रेगुलेशंस के नियम अगले साल जून तक प्रभावी नहीं होंगे, यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी ने बुधवार को चेतावनी दी कि स्टेबल कॉइन इशुअर्स को उनके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रेगुलेटर ने कहा कि कंज्यूमर्स की सुरक्षा के लिए और 30 जून को बिजनेसेस के लिए कठिनाइयों को कम करने के लिए ईबीए उस स्मार्ट डेट से पहले समय पर प्रिपरेटरी एक्शंस को प्रोत्साहित करना चाहता है। पेरिस बेस्ड एजेंसी के नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस, जिसमें बिजनेसेस के लिए नेशनल रेगुलेटर्स को वॉलंटरली इंटेंशंस को नोटिफाई करने के लिए एक सैंपल फॉर्म शामिल है, जिसमें कहा गया है कि गोल्ड जैसे अन्य प्रोडक्ट से जुड़े एसेट रेफरेंस टोकन्स के इशुअर्स और फियाट करेंसी से जुड़े ई मनी टोकन्स के इशुअर्स जितनी जल्दी हो सके संभावित यूजर्स के लिए डिस्क्लोजर के माइका के हाई स्टैंडर्ड्स का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। घोषणा उसी दिन की गई थी जब सिक्योरिटीज मार्केट के लिए ईबीए के काउंटर पार्ट्स ईएसएमए के ने ड्राफ्ट माइका रेगुलेशंस का इनिशियल सेट पब्लिश किया था, जिसमें जानकारी दी गई थी कि ईयू में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस चाहने वाले क्रिप्टोकरेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स को अथॉरिटीज को भेजने की आवश्यकता होगी। आविडाओ कम्युनिटी गो अर्ली पर टेस्टिंग के बाद इथेरियम के मेनेट पर जीएचओ स्टेबल कॉइन लॉन्च करने के लिए वोट करने के लिए तैयार है। यूजर्स सीधे मेन चेन पर कोलैटरल के बदले जीएचओ टोकन मिंट कर सकते हैं। जीएचओ का इंटरेस्ट रेट आविडाओ गवर्नेंस वोट्स के माध्यम से चेंजेबल है। प्रस्ताव का उद्देश्य डीफाई लेंडर के लिए एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करना और लेंडर के प्लेटफॉर्म पर स्टेबल कॉइन बोरोवर्स के बीच बूटस्ट्रैप कॉम्पिटिशन करना है। आवे प्रोटोकॉल पर जीएचओ की स्टेबल कॉइन बोरोइंग को अधिक कम्पेटिटिव बना सकती है और जीएचओ बोरोवर्स पर 100% इंटरेस्ट पेमेंट्स प्रदान करके आविडाओ के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ये प्रस्ताव पहले से अप्रूव दो फैसिलिटेटर्स को जोड़ता है, जो यूजर्स को दो विकल्पों के माध्यम से जीएचओ टोकन मिंट करने की अनुमति देता है। V3 इथेरियम मेनेट पूल में कोलैटरल डिपॉजिट करना और आवे V3 इथेरियम पूल के माध्यम से जीएचओ बोरो करना या फ्लैश मिंटर फैसिलिटेटर का उपयोग करके कोलैटरल के बिना जीएचओ टोकन्स को लैश मिंट करना, बाद वाले विकल्प के लिए यूजर्स को सिंगल ट्रांजैक्शन में लोन चुकाना होगा। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रोहित सिपाही मलानी के मुताबिक सिंगापुर के स्टेट ओन्ड इन्वेस्टर टेमासेक होल्डिंग PTE वर्तमान में क्षेत्र में रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के कारण क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस में शामिल होने की योजना नहीं बना रहे हैं। सिपाही मलानी ने CNBC इंटरव्यू में टेमासेक के लंबे समय से चले आ रहे दावे को दोहराया कि वह क्रिप्टोकरेंसी में सीधे इन्वेस्ट नहीं करता है। पिछले साल FTX में अपना पूरा $275 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद इस क्षेत्र में सर्विस प्रोवाइडर्स को समर्थन देने की कंपनी की ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी विफल रही। पूर्व नेशनल फुटबॉल लीग क्वार्टरबैक टॉम ब्रेडी को कथित तौर पर विफल क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने के स्टॉक में मिलियंस ऑफ US डॉलर्स का नुकसान हुआ। FTX के कस्टमर्स ने ब्रेडी सहित बंद हो चुके क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के समर्थन के लिए कई फेमस लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले शुक्रवार को रिपोर्ट दी थी कि वेटरन NFL क्वार्टरबैक टॉम ब्रेडी को FTX से $30 मिलियन मिले थे, जिसमें से ज्यादातर कंपनी स्टॉक के रूप में आया था। नवंबर 2022 में डिजिटल एसेट एक्सचेंज द्वारा बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन की मांग करने से पहले अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर ने कंपनी के एडवर्टाइजिंग में उपस्थिति दर्ज कराई थी। ब्रेडी के अलावा जिन्होंने FTX के लिए एक एम्बेसडर के रूप में काम किया, उनकी पूर्व पत्नी सुपर मॉडल जिजेल बंचन को स्टॉक में $18 मिलियन मिले।
सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक FTX के कोलैप्स के बाद से, जिसके क्रिएटर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं और स्टॉक की कीमत में काफी गिरावट आई है। 34 वर्षीय शकीब अहमद को मंगलवार को न्यूयॉर्क में हिरासत में लिया गया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और वायर फ्रॉड का आरोप लगाया गया, जिसमें से उन्हें हर आरोप में 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस अटॉर्नी के ऑफिस के अनुसार अहमद को एक फॉरेन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के सोलाना ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक खामी का पता चला, जिसने उसे गलत प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन की जानकारी देने और बढ़ी हुई फीस में लगभग $9 मिलियन बनाने की अनुमति दी, जिसके वे हकदार नहीं थे। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स के एक बयान के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर उसके बाद फीस वापस ले ली और ब्लॉकचेन पर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर्स की एक सीरीज और अन्य फ्रॉडुलेंट ऑपरेशंस के माध्यम से उन्हें वैध बनाकर उनके ओरिजिन को छुपाया। इसी के साथ साथ अहमद पर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के साथ कम्युनिकेशंस करने और चोरी की रिपोर्ट न करने के लिए सहमत होने वाले फॉर्म के बदले में $1.5 मिलियन को छोड़कर सभी को बहाल करने की पेशकश करने का आरोप लगाया गया है। DOJ के अनुसार हमले के बाद कई वेब सर्चेस की गई, जैसे क्या मैं क्रिप्टोकरेंसी के साथ क्रॉस बॉर्डर कर सकता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट को एसेट जब्त करने से कैसे रोके और सिटीजनशिप खरीदना। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 3.0 TV, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।